हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी भर्ती की सूचना देने के लिए या धरने की सूचना देने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल आईटीआई अनुदेशक 2022 के अभ्यर्थी एंड एएसओ के अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर आयोग पहुँचे थे और अभ्यर्थियों की मुलाकात सचिव जी से हुई थी। आईटीआई अनुदेशक अभ्यर्थी रविजीत सिंह लोधी, विपिन कुमार शुक्ला, गौरव और अनुपम शुक्ला, इन सभी अभ्यर्थियों की मुलाकात सचिव जी से हुई थी। सचिव जी ने कल जानकारी दी है कि आईटीआई अनुदेशक 2022 की परीक्षा क्यों पोस्टपोन की गई। इसका कारण है कि 90% फॉर्म फर्जी भरा गया है, यही मुख्य कारण है परीक्षा पोस्टपोन करने का। इसके साथ ही पीटी का शॉर्टलिस्टिंग नियम और सेवा नियमावली शॉर्टलिस्टिंग नियम दोनों में अंतर है। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। दोनों में अंतर है, मैंने आपको बता दिया है। पीटी का शॉर्टलिस्टिंग नियम और सेवा नियमावली शॉर्टलिस्टिंग नियम दोनों में अंतर है, जिसकी वजह से 30 जून को आयोग में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में यूपी ट्रिपल एससी अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी, यूपी ट्रिपल एससी सचिव अवनी सक्सेना जी, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल जी, आलोक सर, सुभाष चंद शर्मा, हरिकेश चौरसिया और एनआईसी की टीम होगी। इस भर्ती के फॉर्म का पोर्टल दोबारा खुलेगा, जिससे सभी सर्टिफिकेट जैसे सीआईटीएस और अनुभव प्रमाण पत्र सभी अपलोड कराए जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर शॉर्टलिस्टिंग जारी की जाएगी। लास्ट जुलाई तक नई परीक्षा तिथि के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी जिस उद्देश्य से गए थे, अभ्यर्थियों को सारी जानकारी मिल गई है। अभ्यर्थियों की मेहनत सफल रही, धरना सफल रहा। तो आपने कुछ तस्वीरें देख ली होंगी, अभ्यर्थी कल आयोग गए थे और अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत भी की है। अभ्यर्थी दूर दूर से आए थे और संख्या भी ठीक ठाक थी। एएसओ अभ्यर्थी तो एएसओ के अभ्यर्थी भी कल आयोग गए थे। एएसओ के अभ्यर्थियों की मुलाकात भी सचिव जी से हुई थी। आंसर की को लेकर जानकारी मिली है कि एक सप्ताह में आंसर की जारी कर दी जाएगी। आंसर की में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वैकल्पिक विषय की आंसर की है वो अभी नहीं बनी है, इसलिए टाइम लग रहा है। रिजल्ट को लेकर जानकारी मिली है कि जुलाई के महीने में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुलाई के महीने में रिजल्ट जारी हो पाएगा, तो अभी थोड़ा बहुत देरी हो सकती है। ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर भी बात हुई थी, जिस पर सचिव जी ने जवाब दिया है कि जो नियमावली में है वही मान्य होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट यूज करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और एफआईआर भी की जाएगी, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे, आयोग उनको बख्शेगा नहीं। कुछ बातों की वजह से सचिव जी गुस्सा भी गए थे। सचिव जी ने कहा, कोई भी अभ्यर्थी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा, इसलिए अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें, फर्जी सर्टिफिकेट यूज ना करें। सचिव जी ने साफ साफ कह दिया है उस पर कार्रवाई होगी और एफआईआर भी की जाएगी। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगी। तो आप देख सकते हैं आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2504 मुख्य परीक्षा तिथि घोषित करो।
तो सभी अभ्यर्थी सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुँचाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।